नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आमले का मुरब्बा। आमले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो बड़े साइज़ के आमले लिए हैं। अब एक फोक की हेल्प से इसमें हम छेद कर लेंगे। छेद अंदर तक अच्छी तरह करने हैं, इससे मुरब्बा एकदम मार्केट जैसा बनेगा। मैंने सभी आमलों में अच्छे से छेद कर लिए हैं और इन्हें एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच टकरी और पानी से इसे ऊपर तक भर दूंगी। हमें आमलों को फिटकरी के पानी में 12 घंटे के लिए डुबा कर रखना है। इसे मिक्स कर देते हैं। फिटकरी के पानी से ही अच्छे से फूल जाएंगे और इनका कसालापन निकल जाएगा। अब हम इसे ढककर रख देते हैं। 12 घंटे हो चुके हैं, मैंने आमलों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए, आमले अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें 1.5 किलो खान ऐड करेंगे और इसे आमलों के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। हमें इसे 1 दिन के लिए ढककर रखना है, जिससे सारी खान मेल्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सारी खान अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे गैस पर पकने के लिए रखेंगे। चाशनी अभी पतली है, हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। देखिए, चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है और इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 चम्मच काला नमक। चाशनी गाढ़ी हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आमले ठंडे हो गए हैं, तैयार है हमारा आमले का मुरब्बा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।